में इस बार कैसा यहां पर आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल, किस तरीके से आप चाहते होंगे विपक्ष के तौर पर? देखिए शिवांगी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद कि उसने जहां भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में आने का मौका दिया है, वहीं उसने विपक्ष को भी बहुत मजबूत किया है। क्योंकि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक सत्तारूढ़ दल आराम से अपनी नीति रीति के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। शिवांगी जी, ये ईको बहुत कर रहा है, ईको बहुत कर रहा है, बहुत ज्यादा आवाज। जी अंकुर जी, आवाज अभी ठीक की जाएगी आपकी, अगर आपको मेरी आवाज मिली तो अपना जवाब पूरा कर दीजिए। हाँ, तो सत्तारूढ़ दल को निरंकुश होने से रोकने के लिए विपक्ष की मजबूती बहुत आवश्यक है। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं कर दिया जाता है कि उसके मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेंगे, तब तक उस पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से आज की डेट में उचित नहीं होगा। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई है, उसका मंत्रिमंडल उसका अंतर्निहित अधिकार है। जब वो मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करेंगे और उनको उनके दायित्वों को प्रदत्त किया जाएगा, तब हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि किसको किस अनुसार क्या पद मिला और कब वो टिप्पणी योग्य बैठा होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई प्रवक्ता हमारे ओपी सिंह भैया का ये कहना है कि परिवारवाद और वंशवाद इन सबका नुकसान हुआ है, तो भाई मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 11 मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वयं अपना इलेक्शन हार गए, और अगर वो तटस्थ भाव से अवलोकन करते हैं तो उनको इस बात का बड़े बखूबी एहसास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जनता ने अब की बार जो भी मत किया है, जनमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो गया है, वो कहीं ना कहीं। चलिए बिल्कुल, देखिए आप अंकुर जी, जो मंत्री हारे हैं किनको अब यहाँ पर क्या जिम्मेदारी दी जानी है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला होगा, लेकिन विपक्ष के तौर पर आपकी भूमिका भी बहुत अहम इस बार रहेगी। वंशराज दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी, आम आदमी पार्टी से आप हैं, पंजाब में तो बल्ले बल्ले हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ खास कमाल नहीं हुआ, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल आप देखें तो कैसा हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए शिवांगी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और आम आदमी पार्टी की जो इस चुनाव में प्राथमिकता रही, जाहिर सी बात है हमारी प्राथमिकता पंजाब थी। और एक बड़ी चीज ये है उसके पीछे कि अब उत्तर प्रदेश की बारी 2027 में आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि जनता जो ये जानती थी कि हाँ दिल्ली एक छोटा राज्य है, दिल्ली पूर्ण राज्य भी नहीं है, और एक बहुत बड़ा अवसर अब आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश के लिए मिला है कि हम पंजाब में एक पूर्ण राज्य हमको मिल चुका है और वहाँ पे अगले 6 महीने साल भर एक कुछ अच्छा काम करके दिखाएं जिससे उत्तर प्रदेश की जनता हम पे और विश्वास करे। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हो चुका है, एक सुनामी जिस तरीके से आपने देखा कि लेकिन वंशराज दुबे जी, देखिए पंजाब से उत्तर प्रदेश पर खिसक रहे हैं अभी ना, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में बैठे, उत्तर प्रदेश की सरकार का गठन जल्द हो तो यही डिबेट है। मेरा कहने का मतलब है कि मंत्रिमंडल जो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनने जा रहा है, हाँ ये बात जरूर है, ऐसा मंत्रिमंडल ना हो जहां पर एक बेसिक शिक्षा मंत्री बने थे सतीश द्विवेदी जी, जिन्होंने अपने भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी दे दी और वहीं पे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लाठियां खिलवाई। ऐसा मंत्रिमंडल ना हो जहां पर एक मंत्री थे मोती सिंह जी, जिन्होंने वीडियो की भर्ती निकाली और जब उसमें उनका मामला नहीं सेट हुआ तो जो चयनित नौजवान थे उन नौजवानों को हटाने का काम किया, भर्ती रद्द करने का काम किया, और उत्तर प्रदेश का नौजवान इन दोनों मंत्रियों को उनकी सत्ता से बेदखल करके जवाब भी दिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो मंत्रिमंडल हो वो जनहित के लिए हो, ऐसा मंत्रिमंडल ना हो जहां पर एसएसपी रंगदारी मांग रहा हो और उस पर कुछ नहीं एक्शन होता है, जहां पर हाथरस कांड हो रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए लाठियां मिल रही हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उम्मीद और विश्वास भारतीय जनता पार्टी को दोबारा दिया है, अब उस पर भाजपा कितनी खरी उतरती है आने वाला समय बताएगा। चलिए नावेशिको जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नावेशिको जी आपका स्वागत है आज की डिबेट में, और देखिए चर्चा ये है कि आखिरकार कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, कितना और लंबा वक्त रहेगा। ओपी सिंह जी कह रहे भी थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा, मंथन हो रहा है, लेकिन इस बार का मंत्रिमंडल आपको क्या लगता है, क्या चौंकाने वाला हो सकता है? कई ऐसे नाम शामिल किए जा सकते हैं जिनकी चर्चाएं भी तेज है, जिनका शायद किसी को अनुमान भी ना हो, कैसे नाम भी आ सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और बहुत ही ऐतिहासिक जीत है, जिस तरीके से कई ऐसे पहलू हैं जिसमें कहा जा सकता है कि उसने इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में।
उसकी वजह है, उसकी एक वजह है कि एक अनुशासन और केंद्रीय फैसले जो हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत है। बहुत कुछ चीजें जो हैं उनकी कार्य समिति, उनका जो निर्णायक जो फैसले लेते हैं जो लोग, उनकी एक अलग लॉबी है और सबकी सहमति के साथ में, और बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ नाप तौल के फैसले लिए जाते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं होती है, कोई अनुशासनहीनता नहीं होती है, कहीं कोई बगावत जैसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर और एक बहुत अच्छा एक अनुशासन बना के रखा जाता है। मैं समझता हूं कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी हित में जाहिर सी बात होगा, और उत्तर प्रदेश के कई चेहरे ऐसे हैं जिनको पिछली सरकार में मौका नहीं मिला था, उनको जरूर मौका मिलेगा। चलिए बिल्कुल, और देखिए अब इस बार की वो कौन कौन से नाम होंगे, उम्मीद है कि जल्दी सरकार नहीं मिले उत्तर प्रदेश की जनता को। उपेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, लगातार मंथन हो रहा है, आप कह रहे कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, अब कार्यवाहक सीएम अभी वो बने हुए उत्तर प्रदेश के, लेकिन होली के बाद या होली के पहले ये चर्चा बहुत तेज है। ऐसे में आज दिल्ली की जो बड़ी बैठक हो रही, क्या लग रहा है कितना दिन लग सकता है आज के इस मंथन के बाद? उपेंद्र सिंह जी आपको आवाज आ रही है? शिवांगी जी, जी हाँ आ रही है। शिवांगी जी जी, निश्चित रूप से ये मंथन हो रहा है होली से पहले या होली के बाद जी, मंत्रिमंडल बनेगा और वो उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप बनेगा जी। हमारे विपक्ष के साथियों ने कुछ सुझाव दिया, उस पर भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि उनको हमारी मंत्रिमंडल की ज्यादा चिंता है, तो हम उनकी चिंता भी दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन था, जो मंत्रिमंडल ने काम किया, जनता के प्रति जवाबदेही दिया, जो जनता के भावनाओं के अनुरूप कार्य किया, तभी तो हम 37 साल बाद दोबारा प्रदेश सरकार हमारी बनने जा रही है। अगर हम जन भावनाओं के अनुरूप हमारा मंत्रिमंडल ने काम न किया होता तो 37 साल बाद इस उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास नहीं बनता, नोएडा का मिथक नहीं टूटता, और सारे रिकॉर्ड और सारे उन चीजों को तोड़ा है जो 2014 के पहले। चलिए मिथक सारे तोड़ दिए उपेंद्र जी, लेकिन क्या आपके पास दो चार नाम छनकर आ रहे हैं? क्या दो चार नाम आपके पास छनकर आ रहे हैं कि ये हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल हो? नहीं, मैंने पहले कहा मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता शिवांगी जी। नहीं, मैंने बोला ना अनुमान, अनुमानित, बीजेपी के तो चौंकाने वाले फैसले होते हैं, मैंने अनुमानित बोला ओपी सिंह जी। नहीं नहीं, अनुमान देखिए देखिए राजनीति में शिवांगी जी कोई अनुमान नहीं होता। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी को अनुमान थी कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बने थी? क्या कांग्रेस को अनुमान था कि 97% हमारे जो है प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाएगी? तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या होगा, लेकिन हमारी पार्टी जो हमारे हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मंत्रिमंडल में इसके पहले जिनका अच्छा काम रहा है और वो वरिष्ठ रहे हैं, हम निश्चित रूप से उनको तरजीह देंगे। हम तो ऐसे ही लोगों को देते ही हैं जो हर तरह से मंत्रिमंडल में फिट हो, इसीलिए तो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती ठीक है। अंकुर सक्सेना जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए लगातार अंकुर जी, लगातार ये चर्चा होती रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब, कौन कौन से चेहरे, लेकिन आपका भी अहम रोल है, नेता प्रतिपक्ष कौन? सुने मैं शिवपाल यादव की मुलाकात हुई, चर्चाएं बहुत तेज है। अब देखिए शिवानी जी, अभी बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है, कल मीटिंग है समाजवादी पार्टियों की और शीघ्र केंद्रीय नेतृत्व भी बात करेगा, तो ये उनका अपना डिसीजन है, जैसा ही कोई सूचना आती है तत्काल आप लोगों तक प्रेषित की जाएगी। दूसरी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने एक बात कही कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी को क्या इस बात का अनुमान था सत्ता में नहीं आएंगे, तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या उनको इस बात का अनुमान था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े तरीके सत्ता रूढ़ रहेगी, या उत्तराखंड में उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव हार जाएंगे, या उत्तर प्रदेश में जो उनके उपमुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य हैं वो चुनाव हार जाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में क्या भारतीय जनता पार्टी हारे हुए व्यक्ति को किसी मंत्री पद पर सुशोभित करेगी, और अगर क्या उसको मंत्री पद पर सुशोभित करेगी तो वो जनमत का या जनता द्वारा प्रयोग किए गए अपने मताधिकार के प्रयोग का उपहास उड़ाना नहीं होगा?
क्या आपके सम्मानित चैनल पर ओपी सिंह साहब ये स्पष्ट कर सकते हैं या ये घोषित कर सकते हैं या जनता को ये आश्वासन दे सकते हैं कि किसी हारे हुए प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में जवाब दीजिए ओपी सिंह जी, जवाब दीजिए, हारा हुआ प्रत्याशी आएगा कैबिनेट में या फिर नया चेहरों को तरजीह ज्यादा दी जाएगी जो जीते या फिर उन्हीं को तरजीह दी जाएगी आपकी पार्टी में इस बार मंत्रिमंडल में? ये जवाब सवाल है अंकुर जी का। देखिए ऐसा है कि विपक्ष को जो है सत्ता पक्ष का छिद्रावशेषण करना चाहिए, सवाल जवाब करना चाहिए और उठाना भी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि विपक्ष को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी भी चाहिए, इसमें मेरा कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब वो उनका काम है निभाएं न निभाएं क्या करेंगे। वो तो 5 साल जो बीता है उसमें भारतीय जनता पार्टी का छिद्रावशेषण करने के अलावा, आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा किसी मुद्दे पर तो ये चुनाव लड़े नहीं, तो मैं बहुत कुछ इनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये अपना आत्ममंथन करें, हम अपना आत्ममंथन करें। फिर भी मैंने कहा ना कि ये जो है शीर्ष नेतृत्व शिवांगी जी तय करेगा कि मंत्रिमंडल में किसकी क्या उपयोगिता है, और मंत्रिमंडल में देखिए हमारे यहाँ कोई दबाव से या किसी के पैरोकारी से मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता। आप निश्चित रूप से देखिए कि जो भी मंत्रिमंडल में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं के अनुरूप और हमारे विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि हमें 5 साल जो जनता ने दोबारा हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो हमारी चुनौतियां बढ़ गई है, हमारी जनता के प्रति चुनौतियां बढ़ी। ओपी सिंह जी वलसाड ओपी जी आपने सुना, कह रहे हैं ओपी सिंह जी की विपक्ष की भावना के अनुरूप भी मंत्रिमंडल होगा और जल्दी विस्तार होगा, इसका आपकी भावना है क्या, जरा इनके सामने रख दीजिए आप। देखिए मुझे लगता है लोकतंत्र में विपक्ष बहुत अहम होता है, और ये बात ठीक है कि इस चुनाव में आपने देखा कि विपक्ष जो है एक तरीके से कमजोर रहा। अगर आप जनता की बात कर ली तो जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी और उनके गठबंधन को दी थी, और ये चुनाव भी अच्छा, तो आपने दो गठबंधन के बीच साथ नहीं लड़ा। मैं बता रहा हूँ, मैं तो विपक्ष में मैं बता रहा हूँ ये चुनाव दो गठबंधन के बीच में था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का गठबंधन था। लेकिन आप सोचिए कि 2 साल तक लगातार, चाहे वो मुकदमा झेलने की बात हो, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगने की बात हो, आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद करने की बात हो, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालने की बात हो, हमारा एक भी सांसद विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं था और अभी भी नहीं है। बावजूद उसके हमने 2 साल लगातार जमीन पर संघर्ष किया, और मैं शिवांगी जी आपके चैनल पर ये बात बता दूं कि अगले 5 साल आपको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में अगर कोई दल दिखेगा तो आम आदमी पार्टी दिखेगा, क्योंकि राम मंदिर का घोटाला हुआ जमीन में, उसको उजागर कौन किया? आम आदमी पार्टी ने। जल शक्ति मिशन में घोटाला हुआ, किसने उजागर किया? आम आदमी पार्टी ने। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 18 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उजागर कौन करता? आम आदमी पार्टी। तो इस तरीके से ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर में जहां भी घोटाला हुआ सबसे आगे बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। और ये बात ठीक है कि आज जनता इस बात को समझ रही, उत्तर प्रदेश का आदमी भी समझ रहा है कि अब एक नया विकल्प के रूप में, विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी। बाद आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ होगी, और जैसा कि आप बता रहे 5 साल बाद नहीं होगी। मैंने ये कहा कि अगले 6 महीने में हमारे पास एक पूर्ण राज्य हो गया है पंजाब, अगले 6 महीने में हम एक ऐसा मॉडल सेट करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली का मॉडल है कि यूपी में भी तो आई आम आदमी पार्टी। संजय सिंह लगातार कहते रहे फ्री बिजली, फ्री सब कुछ, इस बार संजय सिंह अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे। बिल्कुल, आप सोचिए कि हमारे चुनाव में आने मात्र से, शिवांगी जी हमारे चुनाव में आने मात्र से यहाँ के तमाम दलों ने मुद्दों की बात शुरू कर दी। जिनका मुद्दा बिजली पानी नहीं था वो भी कह रहे थे हम भी फ्री बिजली देंगे, हम भी स्कूल अच्छा करेंगे। ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, वंशराज दुबे जी ने कहा कि भाई उनका मॉडल था दिल्ली का, जिसको देखकर हर एक राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में फ्री पॉलिसी लागू कर दी, और अभी आप मंत्रिमंडल में देखिए तस्वीरें में हम देखेंगे कौन कौन होगा, आपकी सरकार आ रही है, अगर यही चुनौतियां रही तो तस्वीर हो सकता है कुछ बदल जाए, जैसा कि अभी वंशराज दुबे जी कह रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, राजनीति में सभी आशावादी होते हैं और उसी उम्मीद पर वो अपना संघर्ष करते हैं, या जो पार्टी की रणनीति है, हर पार्टी अपनी अपनी तरह से रणनीति बनाती है। मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की रणनीति थी तभी तो दिल्ली में 2 बार वो चुनाव जीते। मैं इसमें क्यों तू मैं करूं, मैं इसमें छिद्रावशेषण क्यों करूं? उनकी कोई रणनीति रही होगी पंजाब में, उनको जो है आशातीत सफलता मिली, उनकी सरकार बनी, मैं उसका जनादेश का सम्मान करता हूं। देखिए दिक्कत क्या है कि विपक्ष हो चाहे हम हो,
हम सही मुद्दों को प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखने की बजाय हम तूतू मैमै एक दूसरे पर लांछन लगाना और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं। तो कड़ी टक्कर देंगे मंत्रिमंडल की तस्वीर इस बार, उदय सिंह जी मजबूत रखेंगे। अगर 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 पंजाब में उनको जनादेश मिला है तो हम क्यों कहेंगे कि नहीं उनको जनादेश नहीं, मिला तो है, उसका आप विपक्ष को करते हैं। लेकिन ये भारतीय, एक सेकंड शिवांगी जी, एक सेकंड, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक ऐसी पार्टी है जो जनादेश को सिर माथे पर रखती है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जैसे ही एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, इन मुद्दों पर बात में चर्चा करेंगे उपेंद्र सिंह जी। अभी हम कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं, आपकी कैबिनेट कैसी होगी और सरकार कैसी होगी। मैं चलती हूँ नावेशिको जी के पास। नावेशिको जी, 17 में हमने देखा 22 कैबिनेट मंत्री थे, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, उसी के साथ 13 राज्य मंत्री थे, यानी कि कुल लगभग 46 कैबिनेट थी, संख्या थी उसकी। इस बार क्या इतना बड़ा हमें देखने को मिल सकता है, इसकी पिक्चर, इतनी बड़ी पिक्चर दिख सकती है कैबिनेट की, या फिर कुछ कम हो सकती है या फिर कुछ ज्यादा हो सकती है? एक बात बिल्कुल तय है, क्योंकि ये चुनाव जो हुआ है ये बहुत ही, भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुमत से जीती हो लेकिन बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने थी। और हम सब लगातार चुनावी चर्चा में ये बात कह रहे थे कि भाजपा को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने एक बहुत बड़ा जातिगत एक जाल तैयार किया है, एक बहुत बड़ी बिसात तैयार की गई है। और मुझे लग रहा था कि, या तमाम लोगों को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जाति का जो चुनाव जब हो जाता है तो उसके लिए एक चुनौती होती है। और सपा गठबंधन ने भी, विरोधियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घेरने के लिए, क्योंकि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत बनी है जब वो बहुमत में आई, जब वो फ्रेम में आई, जब उत्तर प्रदेश में उसने अपना जनाधार तेज किया था, बढ़ाया था, ये उस वक्त की बात है जब वो अपर कास्ट से बाहर निकलकर छोटी जातियों, दलितों और पिछड़ों के बीच में उसने अपना विश्वास जमाया था और नरेंद्र मोदी का जादू चला था और देश की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता, जातिवाद से बाहर निकलकर हिंदुत्व की एकता और विकास की तरफ बढ़ी थी। ये सिलसिला तोड़ने की कोशिश की गई थी और एंटी इनकम्बेंसी के हथियार से इस बात का एक फार्मूला तैयार किया गया था कि जातिगत चुनाव करके भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए। लेकिन जो जनादेश आया है उससे ये बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी जातिवाद को अब स्वीकार नहीं करेगी। वो जड़ें जो है जातिवाद की वो उखड़ती हुई नजर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा विश्वास दलितों और पिछड़ों का है। इसलिए जो आपने कैबिनेट का जो एक पूरा कोलाज की बात की कि कितना बड़ा होगा, कितना उसका साइज होगा, किस तरह के लोग होंगे, तो मुझे लगता है कि जाति, दलितों और पिछड़ों का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि उनका विश्वास को एक बार फिर से जगाया है और टूटते टूटते जहां तक विपक्षी दलों ने उसको तोड़ने की कोशिश की है, इस बात का बार बार पिछड़ों दलितों में विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, वो तुम्हारे साथ में, ये तमाम घटनाएं सामने आई, चाहे वो रेप की घटना हो, चाहे कोई घटना हो, लेकिन अगड़ों दलितों ने और पिछड़ों ने भाजपा पर एक बार फिर विश्वास किया। इसलिए उनका विश्वास कायम रखने के लिए इस कैबिनेट में जरूर पिछड़ों दलितों की बड़ी संख्या। अच्छा, बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, इस बार सारे फॉर्मूले देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार कैबिनेट का विस्तार करेगी नाविद जी। लेकिन डेप्यूटी सीएम को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज है, कई नाम चर्चा में है, कहा जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बीबी रानी मौर्य भी देखिए इसमें शामिल हो सकती है डेप्यूटी सीएम के पद पर, केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकता है आ जाए, ये कुछ नाम है। तो डेप्टी सीएम का फॉर्मूला इस बार क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सारी चर्चाएं जो हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। बड़ी मजेदार और बहुत दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसले करती है वो कहीं से लीक ही नहीं हो पाते हैं। हम लोग तमाम चर्चाएं हो चुकी, विश्लेषक की तरह से अभी फेल हुए हैं, हम सब क्या चर्चा करते थे और क्या हो गया। तो भाजपा के अंदर की एक ताकत यही है कि अंदर के फैसलों से लेकर उसका जनादेश, जनता, भाजपा पर विश्वास करने वाले वोटर भी खामोश रहते हैं और भाजपा में फैसले लेने वाले भी खामोश रहते हैं, इसको कहते हैं अनुशासन। मुझे लगता है कि नाम लेना इस वक्त ठीक नहीं होगा, जिस तरह से, हालांकि अभी ये दौर चलेगा मीडिया में और चर्चाओं में कि तमाम नाम आएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं ये बात खुल के कह सकता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि चुनाव हारे हैं और उनको लेकर तमाम चर्चाएं और एक निगेटिविटी, एक माहौल बनाया गया था, वो कहां से माहौल पैदा हुआ था मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो इस तमाम खबरें इस तरह की आ रही कि हो सकता है कि उनको एक सम्मानजनक केंद्र में जगह दी जाए और यहां पर किसी तरह से कुछ उनके विकल्प के तौर पर कुछ, कोई बड़ा पिछड़ा
जाति से जुड़ा नेता सामने आए, लेकिन ये जरूर है कि एक महिला की भागीदारी की भी बात हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष की भी बात हो रही है, चर्चाएं तमाम हो रही है। बिल्कुल, और देखिए चर्चाएं कितना जोर पकड़ेंगी साफ होगा जब सरकार गठित हो जाएगी। अंकुर जी मैं आपके पास आ रही हूं, देखिए लगातार हम चर्चा करें कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो कब ना हो, कौन चेयर होंगे कौन शामिल कौन नहीं होंगे, लेकिन इसके तरह एक सवाल आपसे भी बनता है कि 2019-2017-2022 से मिली हार के बाद इस बार आपका गठबंधन किस तरीके से और आगे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को देखेगा? देखिए शिवांगी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और अगर तटस्थ विश्लेषक इसको तटस्थ नजरिए से देखते हैं, चश्मे से उतार कर, तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर सकता हूं और आपको एहसास भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि 2022 का जो चुनाव परिणाम आया है और जो 2017 का चुनाव परिणाम था, दोनों में ऐतिहासिक भिन्नता है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी को जहां टोटल 41.3% वोट शेयर परसेंटेज मिला है उत्तर प्रदेश की जनता ने, 3.8 करोड़ वोट मिले हैं, वही समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2.9 करोड़ वोट मिले हैं और 32.1% वोट मिला है। तो हम लोगों का जो वोटिंग है वोट है, जो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से ना देखकर वोट पड़ने के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ सीटों पे हम लोग 100, 200, 500 इस तरीके के वोटों से आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि उसका मामला इस बार 2017 की तरीके से एक तरफा नहीं रहा। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रूढ़ी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः उनको बधाई देता हूं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ये कह रहे थे कि विपक्ष उनके बधाई नहीं देता या विपक्ष इसको एक्सेप्ट नहीं करता। विपक्ष इसको एक्सेप्ट करता है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस ने जो भी फैसला किया वो शिरोधार्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अब की बार उनको विपक्ष ने जो विपक्ष ने उनका जो विरोध किया है, जनता के सामने जिस मुद्दों को ले गया है, जिन नीति रीति को लेता गया है, जनता ने उन मुद्दों को स्वीकार किया है और तभी विपक्ष के रूप में एक शक्तिशाली विपक्ष दिया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश शासन प्रणाली के ऊपर हम लोग विराम चिन्ह लगा सके। चलिए देखिए यहाँ पर महिला ब्रिगेड की भी कमान की बात हो रही है इस बार। अंकुर जी आप लगातार ये कहते रहे, आपका दल आपका गठबंधन ये कहता रहा है कि महिलाओं के मसले पर भारतीय जनता पार्टी फेल है, लेकिन अब महिलाओं का स्थान उसको लेकर देखिए नाम अदिति सिंह के, अपर्णा यादव के, बेबी रानी मोर का, केतके सिंह का है, अंजुला महापौर का नाम है, कुछ नाम ऐसे जो चर्चा में, और देखिए कुछ तो दलित चेहरे भी है, अब बेबी रानी मोर को देख लीजिए, अंजुला महापौर को देख लीजिए, अगर ये चेहरे सारे भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में ले आती है तो क्या आपके लिए चुनौती हो जाएगी? देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने आपसे अभी कहा कि चूंकि जनता से बहुमत प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, अब वो अपने कैबिनेट में किसको शामिल रखते हैं किसको शामिल नहीं करते हैं इसके ऊपर अभी कोई भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिस समय भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल को डिक्लेयर करती है उस समय इस विषय में हम लोग बात करेंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा तर्कसंगत है। चलिए ठीक है, वंशा दुबे जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जो सवाल मेरा अभी अंकुर जी से था, आप इससे किस तरीके से सहमत हो रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे समीकरणों को फिट बैठा लिया, ओबीसी चेहरों को लाकर, महिला चेहरों को लाकर, तो वो जो तमाम आरोप लगे कहीं ना कहीं इन चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उन वर्गों को साधा जाए? देखिए बिल्कुल, 5 साल में आपने देखा कि ओबीसी और एससी आरक्षण चोरी का भी मामला उठा था, आपको मालूम हो शिक्षक भर्ती में, लेकिन ये बात ठीक है कि जो जनता ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को वो शर्माते हैं, सभी दलों को उसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक गठबंधन आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि 2017 में अखिलेश यादव जी का कांग्रेस के साथ हुआ था, 2019 में अखिलेश यादव जी का बसपा के साथ हुआ था और 2022 में भी इतना बड़ा गठबंधन हुआ। तो अब ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की सत्ता से हटाने का जो काम है वो मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव जी और उनकी गठबंधन के बस की बात नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग को इस बार के चुनाव में हमने जो उपस्थिति दर्ज की पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में हम चुनाव लड़े और हमारा संगठन घर घर
तक पहुंचा। दो सीटों पर हमको 25,000 वोट मिले, कई सारी सीटों पर 7,000, 8,000, 10,000 वोट मिला। तो इसका मतलब कि जनता ने हमको अब एक तरीके से स्वागत किया उत्तर प्रदेश में खास करके। और जब हम लोग उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जा रहे थे शिवांगी जी, तो लोग ये बात कह रहे थे कि इस बार तो नहीं लेकिन अगली बार 2027 में तन मन धन से हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। मंत्रिमंडल की जो बात रही, आपने जो कहा कि जो भी मुद्दे 5 साल में उठे उस मुद्दे को कितना भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उसको ठीक कर सकती है, जो गड़बड़ियां थी उसको कितना ठीक कर सकती है, मंत्रिमंडल में किसको लाएंगे किसको नहीं लाएंगे, ये बात सही है। अभी जैसे नावेद जी ने भी कहा कि जो पिछड़ों का मामला था, दलितों का मामला था, उसको अभी कितना भर पाते हैं ये उनके विवेक के ऊपर है। जी नावेशिको जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए इस बार ये भी चर्चा है, अभी तक हमने 17 में देखा 2 डिप्टी सीएम थे, ब्राह्मण चेहरा भी था और इसी के साथ मौर्य समाज से भी आता चेहरा यहाँ पर सामने रखा गया, उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की गई। इस बार ये भी है अभी तक जो चर्चाएं कि 4 डिप्टी सीएम हो सकते, क्या ऐसा संभव है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बचकानी चीज हो जाएगी और ये सारी चीजें तब होती हैं जब सरकार का गठन करने वाले दबाव में होते हैं। ये ऐसा वक्त नहीं है, उनके पास में दबाव की कोई वजह नहीं है। और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जब पहली बार सीएम बने थे तो वो जरूर मजबूरी थी कि कुछ ऐसे चेहरे थे जिनके ऊपर उम्मीद की जा रही थी, एक जाति का और तमाम चीजें थी। लेकिन ये ऐसा समय है जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत मजबूत चेहरे के तौर पे उभरे हैं और उनको स्वीकार किया गया है और उनका चेहरा पेश किया गया था। ऐसा नहीं है, उनका चेहरा पेश किया गया था और जनाधार मिला, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी। वो अपने आप में चेहरा, हाँ जरूर है कि कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा और हर जाति हर समुदाय और हर तरह के लोगों का, सीनियर जूनियर सारी चीजों का ख्याल रख के जरूर उसका एक मजबूत गठन होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 4 या 5 इस तरीके से किसी मजबूरी में बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। अब चलेंगे ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं, जब भी आपकी सरकार गठित होगी तो उसमें एक नाम सुरेश खन्ना का सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी विधायकी को बुलाने की कोशिश है, तो क्या ऐसा संभव लगता है आपको? आप तक कोई अपडेट है इसको लेकर? देखिए शिवांगी जी, पहली चीज तो आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। अभी वरिष्ठ पत्रकार नावेद सिको जी ने एक बहुत अच्छी बात कही इस डिबेट में। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भरोसा था कि हम जाति और धर्म के आधार पर ये बाजी मार लेंगे, वो तिलस्म 14, 17, 19 की तरफ 22 में भी टूट गया। मैं किसी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र और इस देश और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज गया कि जात धर्म का तिलस्म टूटा। और एक और भी नई चीजें आई हैं। देखिए फिर वही होगा कि साहब फला थे ढमाका थे, परिवारवाद और वंशवाद इसको भी जनता धीरे धीरे नकार रही है। यह बहुत अच्छी बात, मैं किसी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्वस्थ लोकतंत्र के और इस देश के हित के परिप्रेक्ष्य में यह बात कर रहा हूं। दूसरी बात महिलाओं की है, अभी जो अखबारों में और सब में जो एक आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक इस प्रदेश की महिलाओं ने सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और उसमें हमारे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबने दिया। वो इस बात को भूल गए कि जो लोग वाईएम का नारा दे रहे हैं, वाईएम का नारा देकर के चुनाव जीतना चाहते हैं। और जैसा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कल शिवांगी जी कि जो 3-3 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हो, वो बहन मायावती ने एक बयान सार्वजनिक रूप से जारी किया जो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया पछताएंगे। अरे भाई, हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई हो, किसी के बधुआ मजदूर हैं कि वो उस पार्टी को ही वोट देंगे? नंबर एक। नंबर दो, अगर आप किसी के जात से किसी धर्म से वोट की उम्मीद करते हो तो पहले तो ये बताओ कि जब तुम्हारी सरकार थी तो उस जाति और धर्म के लिए क्या किया आपने? कुछ किया? हम कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जैसे कुप्रथा को समाप्त किया, तो अब इसका जनमत कर लीजिए। यह समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन बहनों से पूछो जिनको इस कुप्रथा से निजात मिली है, वो किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। उन महिलाओं से पूछो
कि देश की आजादी के 70 साल बाद जब वो सुबह उठती है तो उसको शौचालय किसने दिया, वो जब सुबह उठती है तो उसको आवास किसने दिया, जब वो रसोई में जाती है घर में तो उसको गैस किसने दिया। चलिए ओपी सिंह जी, आपने योजनाएं महिलाओं के निकाली, यकीनन इनका फायदा महिलाओं को मिला भी है, उसको लेकिन अब मंत्रिमंडल में भी इनकी भागीदारी भी क्या ऐसी होगी? किसने दिया? ओपी सिंह जी, जो योजनाओं का जिक्र किया वो योजनाएं आपने निकाली महिलाओं के लिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या अब इन योजनाओं के बाद मंत्रिमंडल में भी खास चेहरा महिला का हो सकता है, आपको लगता है? अब बिल्कुल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिलाओं, सबका सम्मान करते हैं और हमारी दोनों योजनाएं उनको चलती हैं। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें हमारी महिलाओं को, जो हमारी महिला नेता है पार्टी की, उनको उचित और सम्मानजनक स्थान मिलेगा, इसको पूरा प्रदेश देखेगा। चलिए ठीक है, अंकुर जी, अंकुर जी मैं आपके पास आ रही हूं। महिलाएं, एक सवाल और करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी से प्रभावित होकर के कांग्रेस की चाहे अदिति सिंह हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अर्पणा यादव हो, विभिन्न दलों से भारी संख्या में महिलाएं हमारी पार्टी में आई है। चलिए ओपी सिंह जी, आपके आपके सवाल का जवाब मैं अंकुर जी से ले लेती हूँ। अंकुर जी, आप सपा की तरफ से भी अपना पक्ष रख रहे हैं गठबंधन में आप, तो ऐसे में अपर्णा यादव का भी जिक्र कर दिया ओपी सिंह जी ने, कहा कि महिला तो वो भी हैं, वो भी महिलाओं के लिए किए गए काम की वजह से हमारे पास आ गई हैं। और इस बार देखिए चर्चा है कि अपर्णा यादव की भी हो सकता है मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में या कोई मिनिस्टर या किसी तरीके से कोई जगह दे दी जाए, ऐसा हो जाएगा तो क्या ही करिएगा आप? शिवांगी जी, ये भाजपा का इंटरनल मैटर है और कोई भी महिला है वो एक हमारे हिंदुस्तान में 18 साल होने के बाद बालिग वोटर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो भी डिसीजन होता है वो उनका पर्सनल डिसीजन होता है। इस मामले में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय अपर्णा यादव गई हो या आज से पहले माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी गई हो तो वो सब उनका अपना डिसीजन होता है। नहीं, अपना डिसीजन तो है अंकुर जी, लेकिन देखिए ये सवाल इसलिए आपसे किया क्योंकि अपर्णा यादव जो देखिए कहा जाता है कि टिकट मांग रही थी, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि महिलाओं की छवि को जिस तरीके से बीजेपी ने आगे बढ़ाया मैं उस वजह से यहाँ पर आई, उस विचारधारा से यहाँ पर आई हूँ, तो ऐसे में अगर वो बड़ा नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएगा, मंत्री की लिस्ट में अगर शामिल हो जाएगा तो क्या उसका एक सिनेरियो, एक मैसेज जो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने शुरुआत में जो बात वही चर्चा सब जगह थी और वही बातें बता दी, तो ऐसी स्थिति में आपको एक भविष्य की मैं बात बता रहा हूँ। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जो गया वो अस्तित्वहीन हो गया, चाहे माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी हो, क्योंकि जो भी इनकी पार्टी में गया है इनने क्या किया है घुन की तरह उसके समर्थन अपर्णा यादव अस्तित्वहीन हो जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? कर दिया जी, अपर्णा यादव जी जब तक इनके लिए यूजफुल रहेंगी तब तक ये उनका यूज करेंगे, और जैसे ही उनका यूज खत्म हो जाएगा आप देखिएगा उनको इनकी पार्टी में राजनीतिक आशिये पर डाल दिया जाएगा। ओपी सिंह जी, ऐसा है क्या? बिल्कुल ओपी सिंह जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या जैसा अंकुर जी कह रहे हैं? क्या कहा अंकुर जी? अंकुर जी कह रहे हैं कि जो भी महिला चेहरा अपनी अपने अपनी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, पहले के जिन पार्टियों के साथ रहे, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे आगे की जो महिलाएं आ रही, चाहे अदिति सिंह हो, तो अब अपर्णा यादव भी आपके पास है, लेकिन वो कह रहे हैं जो महिलाएं आई हैं आपकी पार्टी में वो हाशिए पे चली गई हैं। अब इनडायरेक्टली अपर्णा यादव भी आपके लिए यूज के लिए जब तक है आप उनको काम मिलेंगे, उसके बाद आप यूज थ्रो कर देंगे, हाशिए पे डाल देंगे उनको, ऐसा है क्या? देखिए ऐसा है कि जभी से जगोरे भाई तभी से सवेरा है। इस उत्तर प्रदेश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, और जहां तक राजनीतिक सवाल है मैं आपको बहुत गूढ़ बात बताना चाहता हूँ शुभांगी जी चैनल पर। पहली चीज तो यह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे समझौता गठबंधन कर चुकी है, कांग्रेस से कर लिया, बसपा से कर लिया,
छोटे छोटे दलों से कर लिया। मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जब बसपा सिया कांग्रेस से किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा, अब छोटे छोटे दलों से करूंगा। देखिए इनकी समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधु अर्पणा यादव हमारी पार्टी में आ चुकी है और ये हमारे ऊपर बहुत आरोप लगा रहा है और इनके चाचा जो अखिलेश यादव है उन पर भी आरोप था कि शिवपाल यादव जो है भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और वह कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के परिवार का जो कुनबा पूरे देश और प्रदेश में प्रचलित है इनके कुनबे के सारे सदस्य टूट टूट करके मेरी पार्टी में आएंगे और अखिलेश यादव 2027 में जब 24 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन करने की इच्छा प्रकट करेंगे। अच्छा। क्योंकि भविष्य को जी सुना आपने ओपी सिंह जी ने क्या कहा भविष्यवाणी कर दी उन्होंने शिवांगी जी मैं आप अपनी बात गंभीरता जानपुर जी फिर मैं नावशी को जी और वंशराज दुबे जी के पास आऊंगी कुछ सवालों को लेकर। शिवांगी जी ओपी सिंह साहब लगातार समाजवादी पार्टी एंड अलायंस और के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं पर ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल पार्टी नहीं है, एनडीए गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है तो कहीं ना कहीं अपना दल के साथ में मिली है, निषाद पार्टी के साथ और भी छोटे छोटे दलों का समर्थन लिए हुए। इसके अलावा अभी आपने अखिलेश यादव को लेकर ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया है वो आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है लेकिन आपकी ये जो भविष्यवाणी है आपको इस भविष्यवाणी में एक बात भी स्पष्ट कर लेना चाहिए और इस बात को भी जोड़ लेना चाहिए कि 2024 में अभी तक उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से राजनीति चल रही थी पहले 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में यूपी में गवर्नमेंट में चेंज करके 24 में खदेड़ा करना चाह रहे थे लेकिन अब 24 में सेंटर में परिवर्तन होकर 27 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा खेला हो वो शुरुआत हो चुकी है। जी नावेशी को जी आपके पास अंकुर जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और ओपी सिंह साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं लगातार इस डिबेट में इनकी तकरार देख रहा हूं। डिबेट में तकरार होती है ज़रूर होती है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये समय अभी फिलहाल तकरार करनी है ये वो समय है जब हम जनादेश का सम्मान करें ये वो समय है जब एक कोई पार्टी जीतती है जनता उसको बहुमत देती है और वो सरकार बनने के बीच का जो सफर होता है तब मैं समझता हूँ कि एक आलोचना तकरार ये समय नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही ये आशाओं का विश्वासों विश्वास का बधाइयों का और जनादेश के सम्मान का समय होता है। सरकार बन जाए सरकार में अगर कोई कमी नजर आए तो हम सब पत्रकार विश्लेषक विपक्ष जनता सब सवाल उठाएगी लेकिन ये वो समय है जब हम जनता का सम्मान अगर करते हैं तो जनादेश का हमें सम्मान करना पड़ेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी की को बधाई देनी पड़ेगी हमें शुभकामनाएं दे भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के लिए नहीं काम करेगी वो हम सब के लिए काम करेगी वो सरकार चलाएगी तो इस प्रदेश की जनता का को लाभ होगा उसका अधिकार उसको मिलेगा तो मैं समझता हूं कि ये समय तकरार का कतई नहीं है वो वैसे भी सुबह का समय है और इसमें जरूर बहस जरूर हो बातचीत जरूर हो और ये जरूर बातें उनके वादे याद दिलाए जाए और हमें क्या आशा है उत्तर प्रदेश की आशा क्या है मुझे जो लगता है मुझे लगता है कि ये चुनाव बुलडोजर एक पंच लाइन हो गई थी और मुझे लगता है कि बुलडोजर चलना चाहिए बुलडोजर को जो पेश किया गया था वो अपराधियों के खिलाफ एक कड़े एक्शन को बुलडोजर के तौर पे पेश किया गया हालांकि विपक्षियों ने इसको विध्वंस कहा इसको बहुत नकारात्मक रूप से ला लेकिन जनता ने इस बात को माना कि कतई ये नकारात्मक नहीं है। जब अपराधियों और जो खराब तत्व हैं जो खराब ताकतें हैं उनके खिलाफ एक्शन जब होगा तो जनता सुकून में रहेगी शांति और अमन के साथ रहेगी लेकिन इस बात को याद दिलाने का समय है। मैं समझता हूं कि बिना तकरार किए कि हमारी आशा यह है कि बुलडोजर चलता रहे और कई सूरतों में चले बुलडोजर महंगाई के ऊपर चल जाए आर्थिक नीतियों को ये सरकार डबल इंजन की सरकार इतना मजबूत कर दे कि जो महंगाई की समस्या है जिससे जूझ रही उत्तर प्रदेश की जनता ये वो जनता जिसने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को वो आशा करती है कि चलाओ 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 जरूर चलाओ लेकिन ये बुलडोजर महंगाई पे भी चलना चाहिए ये बुलडोजर उन तकलीफों पे चलना चाहिए जो बेरोजगार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं जिनको रोजगार की आशा थी उनको रोजगार नहीं मिला था लेकिन फिर भी इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास था कि 5 साल बेरोजगारी तकलीफ सहने के बाद भी उन्होंने एक बार फिर विश्वास किया है और उम्मीद की है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार फिर से पुनः बनेगी तो दूसरा कार्यकाल होगा तो उस वक्त हमारी बेरोजगारी की तकलीफों पर बुलडोजर चलेगा।
और बिल्कुल देखिए, ये सारी जो समस्याएं आपने बताई है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको दूर करने के लिए इस बार की सरकार गठित होनी चाहिए और उन चेहरों को तरजीह देनी चाहिए जो इन सब क्षेत्रों में बेहतरी से काम कर पाए। वंशराज दुबे जी, मैं आपके पास आती हूँ। अब ऐसे में सरकार गठित होने से पहले अगर आपका पक्ष में जानूं तो आम आदमी पार्टी क्या देख रही है, किस तरीके से इस नई सरकार को देख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की विपक्षी दलों की बात कर लीजिए, हम लोग ये जरूर अनुमान कर रहे हैं कि जो वादे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं वो वादे नहीं कि जो 2017 में किया था कि हर साल 13 लाख नौकरियां देंगे, 90 दिनों के अंदर सारी की सारी सरकारी भर्तियों को भरने का काम करेंगे, इन्वेस्टर समिट कराएंगे, 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसे खोखले वादे इस बार ऐसे न साबित हो, ये हमारी जरूर उम्मीद है। दूसरी बात, इस पूरे चुनाव में अभी आदरणीय ओपी जी ने एक बात कही कि भाषा का जरूर ख्याल रखना चाहिए, चाहे जनादेश जिसके भी पक्ष में आए, ये बात ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि चुनाव के पहले जिस तरीके की भाषा पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, चाहे वह हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि गर्मी ठंडी कर देंगे, गर्मी दूर कर देंगे, या फिर 80 और 20 का मामला हुआ, ये जो तमाम तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, और विपक्षी दलों की भी मैं बात कर लूं, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में जो विपक्षी दल थे, जो दल जुड़े हुए थे, उनकी भी भाषा जिस तरीके से रही, तो ये बात ठीक है कि आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो इनके एक गलत नीतियां हो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन एक मर्यादा के तौर पे, एक तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर अगर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो एक मर्यादा में रह के आप इस बात को रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप ठंडी दूर कर रहे हैं, आप गर्मी दूर कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से 5 साल में खास करके उत्तर प्रदेश को नौजवानों को गुमराह किया गया, आपको एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने जरूर करना चाहूंगा कि वो लेखपाल की भर्ती जो नहीं आई 2000 पूरे इनके कार्यकाल में, और जबरदस्ती एक नौजवान को पकड़ के लेखपाल बनाया गया और उसका वीडियो भी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है खास करके आम आदमी पार्टी को कि इस बार जो मुख्यमंत्री जी जो कुछ भी निर्णय लेते हैं तो उसमें कम से कम तथ्यों को जांच करके अपनी बात को रखें। इस तरीके से दूसरा, लोकतंत्र को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। अगर आज सोचिए कि 2012 से 17 तक हम लोगों ने सैकड़ों हजारों प्रदर्शन जीपीओ पे किया, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि विपक्ष की आवाज को दबाया गया, लेकिन पिछले 5 साल में आपने देखा कि जब जब कोई मुद्दा लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरता है तो उसके ऊपर लाठियां चलवाई जाती है और बर्बरतापूर्वक जेल में डाला जाता है, लाठियां चलवाई जाती है। मुझे लगता है कि इस बार 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी को इस पर भी फैसला लेना होगा कि लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र जिसकी बात ओपी सिंह जी भी कर रहे हैं, उसके लिए विपक्ष भी जरूरी है और उसकी आवाज को इस तरीके से दबाया नहीं जा सकता। चलिए, अब स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ओपी सिंह जी मैं आपके पास आती हूं। इस बार क्या मंत्रिमंडल में नए चेहरे जो है उनकी अहम भूमिका हो सकती है? असीम अरुण, शलभमणि त्रिपाठी और संजय निषाद, राजेश्वर सिंह, दयाशंकर सिंह, क्या ये चेहरे कमाल कर जाएंगे इस बार? देखिए शिवांगी जी, पहले तो मैं नावेद सिको जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस डिबेट में बड़ी पॉजिटिव बातें की है, उन्होंने जो चीजें उठाई हैं वो मैं समझता हूँ कि ये उनके व्यक्तिगत विचार भले होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जनता की अपेक्षाएं हमसे हैं और होनी भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, बुलडोजर जो चला वो अपराधियों माफियाओं पर तो चल ही रहा है, बेरोजगारी भी चलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही। दूसरी बात, कोई सवाल पूछा उसके पहले मैं बता दूं, ये इनकी बातें भी बहुत अच्छी लगी मुझे, आप पार्टी के प्रवक्ता दुबे जी का कि स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए और भाषाओं की मर्यादा होनी चाहिए, गर्मी निकालने वाली बात नहीं होनी चाहिए, चर्बी निकालने वाली बात नहीं थी, होनी चाहिए। लेकिन मैं आप पार्टी को यह भी बताना चाहूंगा कि पहले वो अपने नेता को शिक्षा दें कि मानवीय मानवता को शर्मसार करने वाला कोई इस तरह का वो तुगलकी आदेश न दे जिससे मानवता शर्मसार हो। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना काल के दौरान जहां पूरा भारत, पूरा विश्व जूझ रहा था, वही केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में उत्तर प्रदेश और बिहार के मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। गलत गलत तरीके से मत कोट करिए, ओपीजी गलत तरीके से मत कोट करिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है जहां पर उत्तर प्रदेश के और बिहार के हमारे भाई बहन 500 रुपए की टिकट में आते हैं, उनका इलाज होता है, हमको इस बात की खुशी है कि हम एक छोटे राज्य हैं, लेकिन बावजूद उसके हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का इलाज कर रहे हैं, हमको खुशी इस बात की होती है। ये गलत बात आप कोट मत करिए,
गलत बातें कतई मत कोट करिए। कोरोना के समय में आपकी सरकार एकमात्र हिंदुस्तान की सरकार है जिसने मंत्री को खो दिया। यहाँ पर मंत्री सांसद विधायक ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते रह गए। अब उस पे हम लोग को नहीं जाना। मुझे लगता है आपका विशाल हृदय होना चाहिए जो जनता ने आपको जरा देश दिया है। आपको तकरार का वक्त निकल गया है। वंशराजजी और भूपेंद्र सिंह जी, तकरार का वक्त निकल गया है और इस बार का सरकार का चेहरा आपको रोकना चाहूंगी। वंशराजजी तकरार का वक्त निकल गया और अब 5 साल आपको एक बार फिर से मिल रहे हैं। बीजेपी की खामियां, जो उनकी गलतियां, उनको आप उजागर कीजिएगा। ओपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में आने के लिए। हमारे सारे खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जरूरत एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक अच्छी सरकार की, और चेहरे क्या क्या होंगे इस बार की उत्तर प्रदेश की सरकार में, यानी कि 2.0 में बीजेपी के, उस पर हर एक की निगाह है। कब होगी सरकार की ताजपोशी, कौन होगा वो चेहरा, वो बड़े चेहरे जिस बार सरकार में नजर आने वाले, इन सब पर चर्चा लगातार जारी रहेगी जब तक सरकार गठित नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।